शिव बाबा की प्रत्यक्षता कौन सी दुनिया में पहले होगी? जिन्होंने बेसिक ज्ञान लिया होगा, चाहे पूर्व जन्म में चाहे इस जन्म में, वो पहले पहचानेंगे और दौड़ेंगे और भीड़ लगाएंगे। और आबू रोड से लेकर के माउंट आबू तक लाइन लगेगी या दुनिया वालों की लगेगी? पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया की हर एक बात लागू होती है। सन 76 में पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा। तो बाहर की दुनिया के लिए बोला था, ब्राह्मण की दुनिया के लिए बोला। शरीर छोड़ने वाले इस्लाम धर्म के भी होंगे, बौद्ध धर्म के भी होंगे। सूर्यवंशी में सिर्फ चंद्रवंशी ही प्रवेश करेंगे या इस्लाम वंशियों में भी इतनी ताकत है जो प्रवेश कर जाए? वो कैसे प्रवेश कर जाएंगे? जो जिसका घोड़ा होता है वो ही उसमें प्रवेश कर सकता है। हाँ जी। और बोला बोला आदि पाप आत्मा, राजाएं ज्यादा पाप आत्माएं हैं या जन्म जन्मांतर बनने वाली रानियां ज्यादा पाप आत्माएं हैं? ज्यादा विषय वासनाएं किसने भोगी? राजाओं। ज्यादा व्यभिचारी कौन बने? राजाएं। रानियों ने तो अपने शरीर को भी सुरक्षित करने के लिए आग में झोंक दिया और व्यभिचार से समाज को बचा दिया। तो पापात्मा में पुण्यात्मा में पता नहीं चला? बाबा बाप की स्नेह की चित्र छाया में जो रहेंगे उससे माया वार नहीं करेंगे। स्नेह की छत्र छाया में कौन रहेंगे? जो स्नेही होता है, जिससे स्नेह करता है, तो जिससे स्नेह होता है, प्यार होता है, प्यार के पीछे सब कुछ स्वाहा करने के लिए तैयार होता है कि नहीं? देह देह नहीं, बच्चा बच्चा नहीं, बाप बाप नहीं, पत्नी पत्नी नहीं। इस बात की परीक्षा में पास होगा या फेल होगा? पास होगा। तो स्नेही को याद क्यों नहीं आवेगा? जितना गुड़ डालेंगे उतना जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन जावेगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन जरूर जावेगा। जिससे प्यार होता है, उस प्यारे के सामने तन और धन किस लिए होता है? न्यौछावर करने के लिए। बाबा, ये ब्रह्मा बाबा की आत्मा जब सूक्ष्म शरीर धारण करके बीज रूप आत्माओं में प्रवेश करती है तो वहाँ बीज रूप बनती है और अपने तबके में आती तो फिर अपना वही वो पुराना किस्सा चालू कर देती है। संग का रंग बच्चों को ज्यादा लगता है। इसी तरह से संग का रंग बच्चों को ज्यादा लगता है या बाप को ज्यादा लगता है? तो कृष्ण बच्चा है ना। तो ये माया बेटी भी जो अभी शरीर छोड़ चुकी है, तो ये जो सूक्ष्म आत्माएं हैं, क्या ये आपस में बातचीत कर सकते हैं या उनके विचार रहा है? अरे संदेश अभी नहीं सुने क्या? दादी के शरीर छोड़ने के बाद संदेश सुने नहीं क्या? सुने। बातचीत करती है, हमेशा के लिए साथ नहीं रह सकती। हर एक को अपने अपने ग्रुप में सेवा करनी है क्या? इसलिए बोला कि दादी का पाठ बाबा के साथ 13 दिन तक का है, उसके बाद अपने ग्रुप में जाओ सेवा करो। जगदम्बा माँ में प्रवेश करेगी अलग बात, और हाथ मिलाया अलग बात, मिलकर के काम करेंगे अलग बात। 2018 में कृष्ण बच्चे का जन्म होगा। 2018 में कौन से कृष्ण बच्चे का जन्म होगा? संगम की कृष्ण बच्चे का जन्म होगा या सचवी कृष्ण बच्चे का जन्म होगा? संगम युग में कौन से कृष्ण का जन्म होगा? संगम युग का जन्म होगा। और सतयुग में सचवी कृष्ण का जन्म होगा। जो शास्त्रों में जिस कृष्ण की बात आई है उसके साथ संगम युगी कृष्ण के साथ कंसी, जरासिंधी, दुर्योधन, दुशासन, दुश्मन दिखाए गए हैं। यह सचयुगी कृष्ण के साथ होंगे। संगम युगी कृष्ण की बात है। 2025 तक तो संगम युगी रहेगा। संगम युग 100 साल का नहीं है, बहुत लंबा हो गया है, मुसीबत आ रही है। अठारह में कौन से कृष्ण का जन्म होगा? संगम युग कृष्ण का जन्म होगा। बाद में 18 साल का होगा तो विश्व का बादशाह होगा ना। हाँ, जो स्वयंवर की बात है वो सचवी कृष्ण की बात है या संगम जी कृष्ण की बात है? वहाँ तो कोई उत्सव होता ही नहीं, वहाँ कोई कोरोनेशन होता ही नहीं, वहाँ एक दिन उमंग उत्साह मनाने की बात ही नहीं। वहाँ तो रोज उमंग उत्साह है। शास्त्रों में जो स्वयंवर की बात आई है वो संगम युग की यादगार है या सतयुग की यादगार है? संगम युग कृष्ण की बात है। लेकिन पुराने कोर्स में बोलते थे ना क्या 18 में राधा कृष्ण का जन्म, 18 में राधा कृष्ण का जन्म होगा तो संगम युग कृष्ण का जन्म होगा या सतयुग कृष्ण का होगा? कहते आप बोलते थे ना 66 से कि 76 में दुनिया का विनाश होगा। अरे विनाश तो होगा, बोलते तो थे, लेकिन किस रूप में बोलते थे? जन्म ब्राह्मणों का एक प्रकार का होता है या ब्राह्मणों को द्विजन्मा कहा जाता है? 2 जन्म होते हैं ब्राह्मणों के। ये तो बेहद के ब्राह्मण है। तो संगम युगी कृष्ण ब्राह्मण है या कोई और वर्ण का है? ब्राह्मण है। तो पहला जन्म होता है उसको पक्का ब्राह्मण नहीं कहा जाता। क्या पक्का जन्म हुआ तब कहेंगे जब यज्ञोपवीत धारण करे, जब 3 सूत्र धारण कर ले, 3 सूत्रों का सार बुद्धि में आ जाए कि वास्तव में ब्रह्मा कौन, विष्णु कौन और शंकर कौन। ब्रह्मा का पार्ट क्या, विष्णु का पार्ट क्या और शंकर का पार्ट क्या, और उनमें ऊंच से ऊंच भगवान का पार्ट क्या। गीता का भगवान कौन, ब्रह्मा, विष्णु या शंकर? किस रूप में गीता का भगवान साकार में प्रत्यक्ष होता है सृष्टि पर? ये बात बुद्धि में बैठना चाहिए ना कृष्ण बच्चे की बुद्धि में, तब ही तो कहेंगे कि प्रत्यक्षता रूपी पक्का जन्म हुआ। अगर अपनी ही बुद्धि में नहीं बैठा, जो पहला पत्ता है सृष्टि का उसकी ही बुद्धि में नहीं बैठेगा तो बाद वाले पत्तों की बुद्धि में बैठ जाएगा। सवाल ही 2018 बाबा उसकी बुद्धि में पता बैठ जाए है। हाँ जी 18 साल बाबा। हाँ जी आने 10 साल नहीं तो विष्णु वंश का प्रत्यक्ष होगा, ब्रह्मा का वंश प्रत्यक्ष हुआ तो दुनिया में ब्रह्म समाजी हुए। शंकर का स्वरूप प्रत्यक्ष होता है शिव के द्वारा, शिव का रूप प्रत्यक्ष होता है शंकर के द्वारा, तो शैव समाजी प्रत्यक्ष हुए संसार में। लेकिन न शैव उतने ऊंचे माने जाते हैं न ब्रह्म समाजी उतने ऊंचे माने जाते हैं, ज्यादा ऊंचे कौन माने जाते हैं? वैष्णव कुल, वो आखिरी कुल है जो देवता बनते हैं। तो उनका भी टाइम होगा कि नहीं होगा? पक्का पक्का टाइम होगा, कच्चा ही चलता रहेगा? उनका भी पक्का पक्का टाइम होगा। नहीं अभी भी है, ऐसे तो नहीं। पहचानने वाले, मानने वाले विष्णु को अभी भी मानते होंगे, जानते होंगे, पहचानते होंगे। बाबा बीके वाले घर वालों को भड़काते हैं, उधर जाने से अब सत्यानाश हो जाएगा। अड़ोस में आए ना अब 7 महीने से, ठीक है, बोलते कि सत्यानाश हो जाएगा सब। तो बोलने में कोई हर्जा थोड़ी, कसाई को से पड्ढा थोड़ी मर जाता है। अगर कसाई गालियां देने लगे तेरा पड्ढा मर जाए, तेरे काम आ जाए, तो मर जाएगा क्या? लेकिन ये हम जानते, घर वाले नहीं जानते ना ये बात। आपको बोलेंगे तब तो समझ में आएगा। कोई अगर बोलता है, खराब भाषा बोलता है, नेगेटिव भाषा बोलता है, तो स्वीकार कर लिया माने हम उनकी प्रजा बन गए। मोड़ा हमारा लटक गया तो प्रभावित हो गए, माने हम उनकी प्रजा बन गए। और हमने करारा सा जवाब दे दिया, प्रभावित नहीं हुए, इसका मतलब हम उनकी प्रजा नहीं है। उधर मैं बोली ब्रह्मा बाबा आते, उधर शिव बाबा नहीं आते। सीधे सीधे कहने से नहीं मानेंगे ना, उसका प्रूफ देना पड़े ना। कोर्स में बताया सिलेक्शन में 4 भाई है, राम और राम के सिंह है, 4 धर्म के 4 देश है और मिस्टर है। बात तो आश्चर्य में भी है ना, शंकर दोनों तरफ से देव जो है, वो देव जो है वो देने का काम करेंगे या नष्ट करने का काम करेंगे? और नष्ट देव तो नष्ट करने का काम करेंगे। भले विनाश करना वो भी कल्याणकारी है या नहीं है? है, लेकिन एक होता है डिस्ट्रक्शन और एक होता है कंस्ट्रक्शन। बाकी ज्यादा किसमें बनता है? कंस्ट्रक्शन करने वालों का बाकी बनता है। कंस्ट्रक्टिव नॉलेज सुनाना ये अच्छी बात है, और डिस्ट्रक्टिव ज्ञान सुनाना ये खराब बात है। तो में दोनों तरफ है, और 12 हाथ में अलग है। अलग अलग स्वभाव संस्कार तो होते ही है। एक जैसे स्वभाव संस्कार 500-700 करोड़ दुनिया में जितनी मनुष्य आत्मा, किसी के एक जैसे स्वभाव संस्कार और चेहरा मोहरा एक जैसा होता है क्या? देवता धर्म का बीज तो दोनों में है। देवता धर्म का जो बीज है, हाँ, वो दोनों तरफ है। दोनों तरफ है तो 12 नहीं होते, 11 होते हैं। 12 होते हैं, लेकिन 12 में 3 ऐसे होते हैं जो ठेठ दूसरे वंश से आए हैं, दूसरे वंश के बीज हैं, दूसरे धर्म का फाउंडेशन डालने वाले हैं। क्या वो आज में ही विनाश करना शुरू कर देते हैं? क्या भगवान को कहा जाता है मायापति, लक्ष्मीपति, प्रकृतिपति। तो प्रकृति, लक्ष्मी और माया, इनमें सबसे पहले भगवान का संपर्क किससे होता होगा? अब जब पहले संपर्क संसर्ग माया से होता है, हैं? माया सरेंडर पहले होती है, तो ताकत पहले किसको मिल जाएगी? माया को। संग के रंग की ताकत पहले मिल जाती, तो माया को आदि शक्ति कहा जाएगी। आदि शक्ति तो तब कहा जाए जब अंत तक निभाए। शक्ति कहाँ हुई? अगर संबंध तो जोड़ लिया, लेकिन निभाया बिल्कुल नहीं। एक तरफ भगवान से संबंध जोड़ लिया और दूसरी तरफ शैतान से भी संबंध जोड़ लिया। तो उस औरत को मायावी कहेंगे या लक्ष्मी कहेंगे? तो मायावी औरत हो गई। बोला है बड़ी हुई माया और उससे जो बच्चे पैदा होंगे वो बड़े होंगे छोटे होंगे? बड़े होंगे। इसलिए आसुर बड़े और देवताएं छोटे हो गए। बाबा अभी हमें अविनाश बोला है 8 से 11 तक। अमेरिका में अविनाश बोला है 8 से 11 तक पूरा खत्म हो जाएगा। कितने बोला? आप सब तक जाने क्या क्या बोलते रहते तो यहाँ पार्टी में या बेसिक में उसका बेहद की बात है ना। वो दुनिया वाले कुछ भी बोलते हैं लेकिन हमें तो पता है कि पहले तृतीय विश्व युद्ध होगा कि पहले चतुर्थ विश्व युद्ध होगा? तृतीय विश्व युद्ध भारत और भारत के आसपास के देशों से कनेक्टेड है। उसमें अमेरिका और इंग्लैंड ये भसम होंगे कि पहले भारत और भारत के आसपास के देशों पर असर पड़ेगा? देशों पर असर पड़ेगा। भूकंप बोला है। अरे बाबा ने क्या बताया है जो दूसरों की बात कान में पड़ जाती है दूसरों को सुनाना शुरू कर देते हैं? इस संबंध में बाबा ने क्या बोला है कि दूसरे दूसरे महाखंड हैं, महाद्वीप हैं, विधर्मियों के जो खंड हैं वो कब खलास होंगे? जब लास्ट में 5-7 दिनों का युद्ध होगा, एटम बम फटेंगे सारे ही। दीपावली आती है तो पहले थोड़े थोड़े फोड़ते रहते हैं, लास्ट में 12-1 बजे नींद लगती है तो सारे इकट्ठे फोड़ देते हैं। तो कहाँ की यादगार? संगम युग में लास्ट में जाकर के जो राम वाली आत्मा है वो भी पूरा रावण का रूप धारण कर लेती है। तुम बच्चे विनाश नहीं कर सकेंगे क्या? बच्चों का काम नहीं है विनाश करना। अगर बच्चों का काम होता तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट जैसे बड़े बड़े आए, वो भी अपने धर्म की स्थापना करने के साथ साथ पुराने धर्मों का विनाश करके काम पूरा कर देते। और कोई धर्म पिता ने पुरानेपन का विनाश नहीं किया, पुरानी दुनिया का विनाश नहीं किया। पुरानी दुनिया वाले भी चलते रहे और उन्होंने अपना नया धर्म भी शुरू कर दिया। हिम्मत ही नहीं पुराने पुराने धर्म गुरुओं, पुराने पुरानों पंडा पुजारियों को मुकाबला करने की। ये तो सिर्फ बाप का ही काम है। लास्ट में बड़े से बड़ा रावण कौन बनेगा? राम वाली आत्मा ही। जब तक बड़े से बड़ा रावण न बने तब तक इतनी बड़ी रावण संप्रदाय की दुनिया खलास होने वाली नहीं है। पहले स्थापना दुनिया की ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पर लागू न होती हो। ये किसके लिए बोला? राम वाली आत्मा के लिए। इसलिए तो मुरली में बोला है स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? है? तभी शिवबाबा ने उनके ना कभी शिवबाबा जी का पाठ बजाएंगे, रावण का पाठ बजाएंगे तो शिवबाबा होंगे क्या? शिव जो है वो आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए आया है या प्रकृति के 5 तत्वों को कन्वर्ट करेगा? शिव आत्मा है। आत्मा आत्मा रूपी मन बुद्धियों को कन्वर्ट करती है, परिवर्तित करती है। और जो मन बुद्धि रूपी आत्माओं में हीरो पार्टधारी है, जो प्रकृति के पांच तत्वों को पहले सात्विक रूप में धारण करता है, वो सारी दुनिया का विनाश भी कराने के निमित्त माना जाता है, हालांकि करता वो भी नहीं है। शक्तियाँ विनाशकारिणी गाई हुई हैं, शक्तियाँ संहारकारिणी गाई हुई हैं, देवता नहीं गाया हुआ है। बाबा मुरली ने बोला है कि गीता का भगवान कौन, इस बात पे जिसने विजय पाली, जैसे उसने विश्व पे विजय पाली। ठीक है, तो ये बात कृष्ण वाली आत्मा के लिए लागू होती, ये बात सिर्फ कृष्ण वाली आत्मा के लिए लागू होती है या सबके लिए लागू होती है? सबसे पहले किसकी बुद्धि में बैठा कि गीता का भगवान शिव नहीं होना चाहिए, गीता का भगवान मैं होना चाहिए। इस दुनिया में पहले पहले शिवो हम बन के कौन बैठता होगा? जितना जाति नीचे गिरेगा वो उतना ऊपर, वो उतना ऊपर ले सकेगा। मैंने शुरू करा वो गिरना। ये बात अभी जो फाइनल शूटिंग होने वाली है, तो वो बात उसको भी लागू होती है। हरी बात शूटिंग होने वाली है उसको भी लागू होती, हरी आत्मा के लिए है, हरी आत्मा के लिए। अभी जो फाइनल शूटिंग होने वाली है इस आत्मा के लिए, हरे आत्मा के लिए, हर एक आत्मा के अंतर की जो शूटिंग होने वाली है, हाँ, उस पर भी लागू होती है, शूटिंग के लिए भी लागू होती है वो बात। क्या नीचे गिरना ऊपर, नीचे गिरना ऊपर चलना। हाँ, तो वर्तमान में देखने में आना चाहिए। अभी अभी बोला अव्यक्तवाणी कुछ वर्ष पहले, 100 आत्माओं की फिर भी माला बन जाती है, लेकिन 8 बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं। बोला कि नहीं बोला? माने वो 8 आत्माएं अभी अभी नीचे जा रही हैं गड्ढे में, और अभी अभी एकदम ऊंची स्टेज में चढ़ जाती हैं। इतनी याद की यात्रा में सीखिए। तो दोनों ही बातें चल रही हैं, रस्सा करती है राम और रावण की। हाँ, अरे बंद भी कर लो। जगदम्बा हाँ? जगदम्बा की जयंती नहीं कराते हाँ। जन्म लेने वालों की जयंती मनाई जाती है या मरने वालों की जयंती मनाई जाती है? हाँ? जन्म लेने वालों की जयंती मनाई जाती है। जो और धर्म के पक्के बीज हैं वो पहले सुधरेंगे, या जो पक्के सूर्यवंशी हैं वो पहले सुधरेंगे? और सचयुग में कौन सा वंश होगा? चंद्रवंश तो नहीं होगा है? चंद्रवंश नहीं होगा। जो भी चंद्रवंशी होंगे वो अपने को सरेंडर कर देंगे। अगर सरेंडर नहीं करेंगे, अड़ियल स्वभाव के होंगे, तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। शरीर नहीं छोड़ना पड़ेगा, सरेंडर हो गए फिर क्या बात? सर अंडर कर दिया ना, जैसे चलाओ वैसे चलेंगे, तो सर अंडर हो गया ना। माला माने संगठन, संगठन माने यूनिटी। यूनिटी बनती है, तो पूछने वाले जवाब ले सकते हैं? हमारी आंखों के सामने माला कब तैयार होगी? है? हमारे अंदर जितनी प्योरिटी आती जाएगी हमारी माला तैयार होती जाएगी। सब कुछ अपने ऊपर है, हम सुधरे जब सुधरे। और निर्गुण का अर्थ क्या है? सर्वशक्तिवान आत्मा निर्गुण है। निर्गुण 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 आत्मा का मैं आत्मा सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वशक्तिवान आत्मा आत्मा का निजी गुण है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, ये हमारा निजी गुण है। आत्मा जो है स्व के स्वरूप में स्थिर हो जाए, पांच तत्वों के आकर्षण से परे हो जाए तो शक्ति स्वरूपिणी होगी। इतना पांच तत्वों के आकर्षण से परे हो जाए कि ये शरीर अलग दिखाई पड़े और आत्मा अपने को विस्तार अलग देखे तो शक्ति स्वरूप है। वो सूक्ष्म शरीरधारियों को तो फिर भी औलिये बांध लेते हैं, धुनाई पिटाई भी कर लेते हैं, लेकिन जो आत्मा बन गया वो तो परे हो गया पकड़ से। जो अष्टदेव है वो बंधन में नहीं आएंगे, किसी के बंधन में नहीं आएंगे। फिर आठ की माला कैसे बनेगी? माला बंधन वाली होती है कि बिना बंधन की होती है? माला बनती है तो माला बंधी हुई होती है कि सारे मणके इधर उधर छुटेले होते हैं। बंधन वाली बातें होते हैं। ब्राह्मण जो माला है वो कहा ही तब जाता है जब संगठित हो, माने एक के बंधन में होगी। जो भी मणके होंगे वो एक के बंधन में होंगे, दुनिया में और किसी के बंधन में नहीं होंगे। माना लौकिक परिवार में जो अकेली माता होती है, अकेला भाई होता है, वो नहीं आता। लौकिक परिवार वालों को तो बोल दिया ना कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। तो ज्ञान में चलेगा का मतलब ये थोड़े हुआ कोई 108 की माला में आ जाएंगे, प्रजावर्ग की आत्मा बन जाएंगे। संदेश तो ले रही है ना, अभी घर में रहते हैं, तुम्हारा संदेश तो ले रही है ना, सुन तो रही है। नहीं सुनती। अच्छा, न सुनने वालों की लिस्ट में इतनी विरोधी है जो आपको घर से निकाल दें। नहीं तुम जा सकते हो, तो नहीं निकालती, घर से बोलते है ना। हाँ, फिर आप निकल जाते हैं। क्यों निकल जाते हैं? माना आपको फिर धक्का दे करके कोर्ट कचहरी करके बाहर निकाल देते हैं, और वो ब्रह्मा कुमार कुमारी वो आपको टिकने देंगे? कोर्ट कचहरी करके भी आपको बाहर निकालेंगे, धक्का दे करके भी बाहर निकालते हैं। तो एक तो लौकिक परिवार वाले हैं जो हमारी बातें रोज सुनते हैं फिर भी सहन कर लेते हैं, तो उनमें सहन शक्ति है या नहीं है? देवताई गुण है या नहीं है? तो उन्हें फर्स्ट डायनेस्टी में आकर के प्रजा बनने का भी अधिकार नहीं है, जिनमें सहन करने का मात्रा नहीं है, जो हमारी बात सुन भी नहीं सकते, हमको देख भी नहीं सकते, हमारी दृष्टि से दृष्टि मिलाए भी नहीं सकते। कितनी घृणा भरी हुई है। उनको कहेंगे कि उनमें सहन शक्ति है, तो जिनमें सहन शक्ति नहीं वो देवता भी नहीं बन सकते। नारायण बनने वाले, सवा दो लाख लक्ष्मी बनने वाले, और सोने कैसे होंगे? कैसे होंगे? देवता ही सोने होंगे और कैसे होंगे? हाँ, वो स्त्री चोले होंगे, वो पुरुष चोले होंगे। कैसे माने क्या? आप क्या पूछना चाहते हैं? बोल दिया ना। कैसे होंगे माना? बता तो दिया। नर होगा वो नारायण बनेगा, जो नारी होगी वो लेकिन। तो कैसे होगा क्या मतलब? क्या पूछना चाहते हैं? जो युगल ज्ञान में चलते हैं, अभी जो युगल ज्ञान में चलते हैं वो अपने को युगल समझे बैठे हैं या ब्रह्मा की औलाद भाई बहन समझे बैठे हैं? समझे ही बैठे हैं या पक्के हो गए? अजी अकेली माताएं हैं वो कैसे बनेंगी? माने जो दुकेली हैं उनके लिए प्रश्न नहीं है, उनका पक्का हो गया। लेकिन बाबा ने बोला है इस पुरानी दुनिया की कोई चीज नई दुनिया में नहीं जाएगी। पुरानी दुनिया के संबंध भी नई दुनिया में ट्रांसफर नहीं होंगे। ये जवाब चाहते थे क्या? हाँ, बाबा ने बोला मुरली में लौकिक से पूछना भी नहीं, ज्ञान में नहीं है, अकेली माता है तो लौकिक से पूछना भी नहीं और उसकी मत भी नहीं सुननी है। नहीं, ये बोला जो ज्ञान में पक्के हैं उनके लिए बोला कि लौकिक संबंधियों से ना कुछ पूछना है और ना उनकी मत पर चलना। हाँ, तो अकेली माता को ज्ञान में। अच्छा, हाँ, नहीं जाना है बाबा जी। हाँ, तो बाबा ने कहा युक्ति से काम करो। नहीं जाना तो नहीं जाना, नहीं जाएंगे। हाँ, तो युक्ति निकाली ना, युक्ति निकाल के आ गए। हाँ, तो क्या हुआ? गाली दिया, कुछ हो गाली चिपक जाती है क्या? पड़ोस वाले होते हैं, बोले भगवान का करती है, भगवान मिला है हमें, भगवान मिला है, तो फिर इनके घर में झगड़ा कैसा? इनके घर में झगड़ा कैसा? माने भगवान जब आया तो राम रावण झगड़ा नहीं हुआ था? जब भगवान कृष्ण आए थे तो महाभारत युद्ध नहीं हुआ था? जब शंकर भगवान जी आए थे देवा को संग्राम नहीं हुआ था? आपके पास तो ढेर जवाब है। हाँ, तो क्या हुआ? बता ही दिया, ज्ञान में बता दिया, मुरली में बता दिया। गेट वे टू हेवन इज महाभारत युद्ध से पसार हुए बगैर सचखंड की दुनिया में कोई नहीं जा सकता। कोई कितना भी छुपना चाहे, बचना चाहे, असत्य से युद्ध न करे, लेकिन करना ही पड़ेगा। नहीं, बाबा से मिलना ये कोई ज्ञान नहीं है। वो तो बोल दिया, एक बार भक्ति कर ली, एक बार देख लिया, बस विलायत में चले जाओ, सेवा करते रहो, लक्ष्मी नारायण का पद मिल सकता है। बाबा ये तो आना नहीं है बाबा। अरे, ये तो तुम्हारी बात हो गई ना। दुनिया में ऐसे भी तो लवर्स हुए हैं जो एक बार देखते हैं और जिंदगी भर याद रखते हैं। एक बार की अनुभूति सदाकाल के लिए स्थायी नहीं बनाई जा सकती। बन सकती है। तो जब बन सकती है तो इससे साबित होता है कि जो एक बार देखे और सारा जीवन याद रखे, इससे साबित होता है कि इसके पूर्व जन्म के हिसाब किताब संग रहने के ज्यादा हैं तो ज्यादा याद कर सकता है। प्रैक्टिकल मिलन सहज मिले सो दूध सम, मांग ले आवा परमेश्वर दे दो। अब राजा बनने वाले हैं, जो राजा मांगता हुआ अच्छा लगता है क्या? उनका ज्यादा है ना रावण की दुनिया में। आप भगवान के बच्चे हैं, रावण के बच्चे हैं। आप भगवान, तो आपका वाइब्रेशन ज्यादा होना चाहिए कि नहीं हो रहा है ना? नहीं हो रहा है तो अभी बने नहीं है ना, दिल हो जाती है ना। दिल तो नहीं होती लेकिन थोड़ा असर पड़ जाता, असर मान लिया। तो बंदेली माता मर्जी खिलाफ नहीं जाना है, उनके मर्जी खिलाफ नहीं जाना है, नहीं बोले तो नहीं आना है, युक्ति से काम लेना है। उनके पीछे आते हैं लेकिन लौट के जाने के बाद फिर तो सामने ही रहते हैं। दोनों तरफ से तलवारें चलाई जाएगी तभी जीत होगा। बस बोल हम श्रीमत पर चल रहे या आते हैं? हाँ, हम न वाचा का युद्ध करने वाले, न हम कर्मणा का युद्ध करने वाले और न हम वाइब्रेशन का भी युद्ध करने वाले नहीं। क्या हमें तो किसी आत्मा का विरोध करना ही नहीं है, सबका हम भला चाहते हैं कि विरोध करते जो विरोध चाहते हैं, सबका भला चाहते हैं। वाले ज्ञान में नहीं चलते, मायके वाले ही नहीं और ससुराल वाले भी नहीं। बीच में माता पिता गुजर गए, हाँ? तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, हाँ? तो भाई लोग देना चाहते हैं तो ले गए या नहीं देना चाहते, क्यों नहीं ले गए? अरे पूछ के बोला है कि क्या बोला है, कितना है ना लेना है, वो लौकिक संबंधियों का कहाँ हुआ, वो तो तुम्हारा अपना है। ये भी पूछने की बात है। वो नहीं चाहते तो वो नहीं चाहते, उनके चाहने से क्या होता है? ये तो तुम्हारा मोह बोल रहा है, तुम उन्हें अपना भाई समझती है इसलिए बोल रही है मेरा भाई मेरा भाई। अरे छोड़ो हटा। एक अवगुण है मेरे अंदर बहुत बड़ा, तो मैं वो जो भी अवगुण होते हैं वो लिख करके बाबा को चुपचाप दिए जाते हैं, वो फैलाया नहीं जाता है। वो बाबा अवगुण यह है कि मतलब युगल के पॉकेट से चिप्पे से पैसा निकालने का, युगल के पॉकेट से बाबा चिप्पे से पैसा निकालने का, हाँ। तो ये अवगुण ही हुआ ना, अवगुण ही होगा। लेकिन अच्छे काम के लिए बात यह है कि शास्त्रों में और मुरली में तो यही बोला है कि पति की कमाई में पत्नी का आधा हिस्सा होता है। पहले सतो प्रधान थे परिवार, तो उसको प्रैक्टिकल में इस बात को मानते थे। अभी परिवार कैसे हो गए? तमो प्रधान हो गए, और ज्यादा तमो प्रधान पुरुष हो गए कि स्त्रियां हो गई? पुरुष ज्यादा तमो प्रधान हो गए, दुर्योधन दुशासन में डाल दिया बाबा ने, तो वो तो दुष्ट युद्ध करेंगे ना, दुष्ट शासन करेंगे ना, तो वो तो नहीं देते हैं। लेकिन युक्ति से अगर उन्हें पता भी न चले और तुम्हारा काम भी बन जाए तो क्या आ जाए? काय के लिए पाप का तुम्हारे हिस्से का नहीं है, इतना क्या है तुम्हारे हिस्से का है। अब खुलेआम नहीं करना, हमारे बाबा ने ऐसे कहा। बेसिक में जब मैं थी तो मैं मतलब पॉकेट के पास गई तो मुझे ऐसा हुआ ना कि लगा कि मैं चोरी तो नहीं कर रही हूँ। उसमें संकल्प ऐसा आया कि तुम तो आधा पार्टनर हो, मन में ऐसा संकल्प उठा तो उसमें साउंड निडर हो गए। जो अच्छा करते उसको ज्यादा तकलीफ होती है ये आभी के समाज पैसे में बोले ना आधा हिस्सा मेरा है। हाँ देते नहीं ना, देते नहीं माना आप राजा बनने वाले नहीं है, भिखमंगे हैं। मांगना नहीं, अरे उठा लेना, हम राजा है तो क्यों मांगे। मांगने से तो मरना वाला, तो कैसे करना है, कैसे करना ये कहीं कहा कि मांगने से चोरी करना वाला, मांगने से डकैती करना वाला, ये बोला नहीं, ये बोला मांगने से मर जाओ तो अच्छा है। हम तो अमर बात के बच्चे। हाँ कोई बात नहीं, इस कल्याण के प्रश्नों से उतर करके पर्सनल प्रश्नों का चलो बस हो गया। कि जब आदमी बहुत दुखी हो जाता है तो कहता है कि झंझट ही छूटे, लेकिन जब समझ में आता है तो कहता है नहीं झंझट छूटे नहीं, झंझट छूट जाता है ना। जब आदमी को बहुत दुख मिलता है, शरीर में बहुत तकलीफ होती है तो सोचता है प्राण छूट जाए, लेकिन खुदा न खास्ता प्राण न छूटे और वो ठीक हो जाए तो बाद में इच्छा पैदा होती कि नहीं होती है ना। ऐसे ही जितने भी ब्रह्मा बाबा के फोटो दिखाए हैं वो सब पीछे आते ही दिखाए हैं। ब्रह्मा बाबा के जितने भी फोटो दिखाए हैं पीछे आते ही दिखाए हैं। कैसे फोटो पीछे आते हैं? ब्रह्मा बाबा के पीछे आते हैं, आगे हाथ ही नहीं है, बैठे हुए आगे हाथ नहीं दिखाई पड़े आपको कभी। खड़े हुए बात दूसरी है, लेकिन जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ आगे हाथ आपको दिखाई नहीं पड़े। हाँ। वो तो माता का पार्ट है, इसका पार्ट है विशेष माता का पार्ट। पुरुषार्थ में अगर खड़ी भी हो जाए तो भी बुद्धि पीछे की तरफ खींचती है, बच्चे अपनी तरफ खींचते हैं। इसीलिए भक्ति मार्ग में कहते हैं औरत की अगर पीछे होती है और शिव की पूजा सावन के महीने में होती है, यानी ज्ञान वर्षा जब भी बहुत होती है तभी। हाँ। तो शिवरात्रि का गायन, महाशिवरात्रि शिवरात्रि का गायन ये गर्मी की सीजन में क्यों? जब भी कलयुग वापर और कलयुग का शूटिंग होता है उस टाइम पे। सर्दी के दिनों में शिवरात्रि क्यों होती है? जब सावन का महीना जो है वो बरसात का पीरियड है, जो ज्ञान बरसात का टाइम है। तो पहले बरसात होगी, ज्ञान बरसात पहले होनी चाहिए या बाप की प्रत्यक्षता पहले होनी चाहिए? ज्ञान बरसात पहले होनी चाहिए। जब सबकी बुद्धि में परमात्मा का ज्ञान बैठ जाए, जो भी बच्चे हैं परमात्मा बाप के, उनकी बुद्धि में ये बैठ जाए कि बाप कौन है, उसकी पहचान क्या है, फिर बाद में प्रत्यक्षता हो। क्या कि बाप को प्रत्यक्ष करने वाले नंबरवार बच्चे कौन है? बाप की प्रत्यक्षता शालिग्रामों के द्वारा होनी है या शिवलिंग के द्वारा होनी है? तो नंबरवार प्रत्यक्षता होगी या इकट्ठी हो जाएगी? नंबरवार होगी। तो श्रावण के महीने में जब ज्ञान की बरसात होती है तभी प्रत्यक्षता होनी चाहिए या जब रिजल्ट निकलने का टाइम आए तब प्रत्यक्षता होनी चाहिए? तो टाइम नहीं लगेगा, हथेली पे तो आम नहीं जमाया जा सकता कि ज्ञान मिला और फटाक से संपूर्ण स्टेज बन जाए। इसलिए पहले ज्ञान की बरसात का महीना और बाद में ज्ञान सूर्य के प्रत्यक्ष होने का टाइम। वो जब जितने भी ज्ञान सागर बाप के बच्चे हैं पुरुषार्थी बच्चे, उन पुरुषार्थियों को ऐसे मौसम में पहुंचा दिया जाए शूटिंग पीरियड में कि सबका पुरुषार्थ ठंडा हो जाए। क्या? और एक का पुरुषार्थ फिर भी पावरफुल बना रहे, तब उसकी प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो मौसम बदलेगा कि नहीं बदलेगा? बदलेगा। नहीं तो बरसात के मौसम में तो मेढक भी ट्रां ट्रां कर लेते हैं। और बड़े बड़े मोतियों का जो माला होती है उसमें गुरिये होते हैं गोल गोल, वो तो जड़ माला है ना। तो जो भी जड़ माला है वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। तो जो संगम युग में चैतन्य मोती है आत्मा रूपी, वो शरीरधारी है, यह सिर्फ आत्मा ही है, शरीरधारी है। और शरीरधारी जब बने हैं तो उनको अंदर से ये इच्छा हुई है या नहीं हुई है कि हम बाप के गले में लटक जाए, चाहे पुरुष तन हो और चाहे स्त्री चोला हो, उनको ये इच्छा पैदा होती है ना। तो ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची गई। कहाँ की बात? ब्राह्मणों के संगम युग की बात। तो जो ब्राह्मण है उनके संकल्पों से सृष्टि नहीं रची जाती है, रची जाती है ना। तो यहाँ ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में जो कुछ होता है संकल्प मात्र से, उसका भक्ति मार्ग में यादगार दिखाया गया है कि शंकर को गले में और हाथों में इतनी मालाएं पड़ी हुई है। वो मनबुद्धि से नजदीक आने की यादगार है। कोई जरूरी नहीं है कि वो शरीर से भी नजदीक आई हो। बहुत सी ऐसी बांधेली माताएं हैं जो बेसिक नॉलेज में भी वर्षों बाबा से दूर होकर के रही और अंत में नजदीक पहुंच गई। यहाँ भी ऐसे होगा, अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले बाप के गले का हार बन जावेंगे, माला में आ जावेंगे। तो गोल गोल जो मड़के हैं वो कोई जड़ मड़के नहीं है, काहे की यादगार है? आत्मा रूपी मड़कों, चैतन्य मड़कों की यादगार है। और बाबा जी को पंचर को वो बाघ हम्बा को बैठे हुए दिखाते हैं, उसका मुख भी दिखाते हैं, बाघ का मुख भी दिखाते हैं, बाघ अंबर को बैठ के तपस्या करके दिखाते हैं, कान दिखाते हैं जिसके ऊपर बैठे हुए हैं। तो वो बाघ अंबर नहीं है, वो तो बैठने का आसन है। वो सामने मुँह कौन से जानवर का बना देते हैं बाबा भक्ति। हाँ, जो बाघ अंबर है माने वो पहनने की चीज है, अंबर माने चारों तरफ से लपेटा हुआ। क्या लपेटा हुआ है? बाघ को लपेटा हुआ, बाघ की खाल माने वो शरीर से ऐसा पार्ट बजाते हैं शेर का। इसलिए भारत के झंडे में 3 शेर दिखाई जाते हैं। बाबा क्लैरिफिकेशन देते हैं कि वास्तव में झंडे में 3 शेरों का कार्य नहीं है। वो 3 शेरों की यादगार रूपी कपड़े नहीं है, उनमें एक शेर है और एक घोड़ा है मनरूपी और एक बकरी है। तो जो शेर की खाल दिखाई है वो भक्ति मार्ग में नरसिंह अवतार के रूप में यादगार दिखाई दी। और मुरली में स्वाइन आता है। हाँ तो उठाओ बाबा। हाँ, एक 2 शब्द आते हैं, सर्वशक्तिमान और दूसरा है सर्वशक्तिमान, तो दोनों में अंतर क्या है? जिसको सर्वशक्ति मान लेगी सारी दुनिया उसको सर्वशक्ति मान कह दो, और वान माने वाला, जैसे कहते हैं धन वाला, तो क्या कहते हैं? धनवान कहते हैं ना। तो ऐसे ही सर्वशक्तिवान माना सर्वशक्तियों वाला, बात तो एक ही है। और बाबा एक बात और पूछना था, वो जो अशोक का लाख है उसमें 4 मुंह दिखाए गए हैं। और बाबा उसमें मूर्ति में बताते हैं कि 3 शेर है दहाड़ मारने वाले या 3 रंग का झंडे का कपड़ा दिखाते हैं। ये अशोक का लाख का 4 मुंह का मतलब क्या हो जाता है? 4 शेर उसमें दिखाए गए। जो 3 मूर्तियाँ हैं जिनसे त्रिमूर्ति बनती है, वो 3 मूर्तियों में एक, तो पहली मूर्ति का नाम क्या है? ब्रह्मा। दूसरी मूर्ति का नाम क्या है? विष्णु। और तीसरी मूर्ति का नाम है शंकर। तीनों मूर्तियां बोलती चालती है या गूंगी है? बोलती चालती है। तो जो बोलती चालती मूर्तियां हैं, जिन्होंने ज्ञान के आधार पर बोल किया है, बोल कैसे निकले हैं? ज्ञान के आधार पर बोल निकले हैं, वो सामने दिखाई है। और एक मूर्ति ऐसी है जो ज्ञान के बोल नहीं बोलती, ज्ञान युक्त कर्म भी नहीं करेगी क्या, और ज्ञान युक्त वाइब्रेशन भी नहीं फैलाएगी, वो पीछे की ओर दिखाई देगी ताकि उसको कोई न देखे न फॉलो करे। अगर फॉलो करेगा तो जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का, वो प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए एक मूर्ति पीछे कर दी गई है, दिखाई नहीं पड़ती। तो अच्छा है या बुरा? वो मूर्ति कौन सी है? आत्मा कौन सी है? जिसको फॉलो नहीं करना है, याद भी नहीं करना है, ब्रह्मा को नहीं याद करना। हाँ, ब्रह्मा को याद नहीं करना है। जब तक शरीर है तो भी ब्रह्मा को याद नहीं करना है, और ब्रह्मा जब शरीर छोड़ देता है तो जब लास्ट स्टेज में जगदम्बा का पाठ बजाता है तो भी उसको याद नहीं करना है। ब्रह्मा को तो सात्विक स्टेज में दिखाया है, फिर भी क्या ब्रह्मा को शास्त्रों में उतना हीन नहीं दिखाया है, महिमा है क्या? ब्रह्मा को भी देवता कहते हैं, भल नहीं है। महाकाली को भी देवी कहते हैं, लेकिन देवियों के बीच में निम्न कोटि की पाठ बजाने वाली आत्माएं ज्यादा फॉलो करती है या उनके तबके की फॉलो करती है। जो वैष्णव पंथी है वो महाकाली को फॉलो करते हैं, मानते हैं, पूजते हैं, या जो चोर चकार बंगी तमोली ऐसी आत्माएं उसको पूजती हैं, निष्कर्ष आत्माएं पूजती हैं। इसलिए वो पीछे मुख कर दिए। और बाबा फिर भी ब्रह्मा को क्यों फॉलो करने के लिए बोला? ब्रह्मा को फॉलो इसलिए करने के लिए बोला कि ब्रह्मा की आत्मा फॉलो, जो प्रैक्टिकल में वर्तमान में हो उसको फॉलो करना है, या जो गुजर गया उसको फॉलो करना है। देख करके फॉलो किया जाता है अच्छा, या जिसको देखा ही नहीं वो फॉलो करेंगे है? देख करके फॉलो किया जाता है, जिसको देख करके फॉलो करेंगे वो अच्छा फॉलो होगा। तो अभी प्रैक्टिकल में आर्धनारीश्वर का पार्ट प्रैक्टिकल में है या नहीं है? इतना बड़ा ब्राह्मणों का एडवांस पार्टी का परिवार है, तो माँ के बगैर पालना हो सकती है क्या? हो सकती है? माँ के बगैर परिवार टिकेगा क्या? नहीं टिक सकता। अभी भी ब्रह्मा वाली ही आत्मा वो पार्ट बजाए रही है ब्राह्मणों की दुनिया में। अभी भी माँ का पार्ट है क्या? ये ब्राह्मण प्रवृत्ति मार्ग की औलाद है, निवृत्ति मार्ग की औलाद नहीं है। हाँ जी, वो कौन सी जीवा थी? तो अगर ऐसी कोई जीवा माता है ना, तो वो माता जी को बता सकते हैं कि मैं मतलब तुम्हारी माँ है, तुम मेरे भगवान नहीं हो, तुम्हें को बताना। और माता बच्चों से प्रभावित हो गई हो तो है? माता बच्चों से प्रभावित होती है मेच्योर होने पर, या पति से प्रभावित होकर रहती है, कलयुग की शूटिंग में खास है, इससे प्रभावित होकर रहती है, बच्चों से प्रभावित हो। तो बच्चों में मुख्य बच्चा कौन है? ब्रह्म। वो तो बच्चा बुद्धि है, बच्चा बुद्धि से प्रभावित होकर रहे और बाप से प्रभावित न हो, तो पंप एंड शो से प्रभावित होने वाली है या जो गुप्त पार्ट बजाने वाला बाप है उससे प्रभावित होने वाली है? गुप्त पार्ट बजाने वाले को पहचाना ही नहीं, इसलिए मुरली बोला मेरे साथ रहने वाले मेरे को नहीं पहचान पाते। सबसे जास्ती साथ में कौन रही? जगदम्बा। और ऐसी आत्मा ही बाप को न पहचाने, माया के साथ अपोजिशन ले ले, माया के साथ हाथ मिला ले तो क्या कहा जाएगा? झूठी गीता या सच्ची गीता? झूठी गीता। तो जो झूठी गीता है वो मनुष्यों की लिखी हुई है। झूठी गीता किसकी लिखी हुई है? मनुष्यों की बनाई हुई है। और जो सच्ची गीता है उसको बाप ने बनाया है, आदि में भी बनाया था, क्योंकि सत्य के आदि में पहले पहले पार्ट किसका है? अगर 33 करोड़ देवताएं हैं तो 33 करोड़ देवताओं में जो देवताई सृष्टि का पहले पहले पार्ट बजाने वाला वो कौन है? विष्णु। जो आदि में होगा सो अंत में नहीं होगा, होगा। तो सन 36 में यज्ञ के आदि में भी पहले विष्णु था या ब्रह्मा था? है? पहले जरूर कोई आत्मा थी युगल रूप में। यज्ञ के आदि में भी जो विष्णु के रूप में पार्ट बजाने वाली थी वो था भागीदार, और भागीदार की सहयोगिनी शक्ति। ब्रह्मा की जो सहयोगिनी शक्ति थी वो ब्रह्मा के साथ उतना पार्ट नहीं निभा सकी, इसलिए जगदम्बा सरस्वती को निमित्त बनाना पड़ा। कृष्ण वाली प्रबल मतलब गीता को गीता समझ के उसका भगवान अपने आप को समझिए, तो वो गीता भी गीता नहीं, ये भी तो सिद्ध करना पड़ेगा ना। तो मतलब जो गीता को कृष्ण वाली प्रबल मतलब अपने आप को भगवान मानती है ना, तो वो गीता गीता नहीं है, ये भी तो साबित करना पड़ेगा। दोनों बातें आ जाती है ना, गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। अरे गीता जो है वो माता है या कोई जड़ किताब है? माता है ना, यानी जो सच्ची गीता है वो भी माता है और जो झूठी गीता है वो भी माता है। पहचान बता दी, पहचान बता दी। कौन सी गीता? सच्ची गीता। और कौन सी गीता? झूठी गीता। सच्ची गीता वो जब सच्ची गीता सामने आए तो 1 सेकंड में स्वर्ग बन जाए। ब्रह्मा तो क्या बन जाएगा? विष्णु बन जाएगा। और झूठी गीता को झूठी गीता के रूप में सिद्ध होने में 2500 साल लग जाता है। तो इसलिए वो सच्ची गीता जो है वो सच्ची गीता गीता है और झूठी गीता गीता नहीं है, ये भी तो साबित करना पड़ेगा। जब 2 माताएं हैं तो दोनों एक जैसी सच्ची हो सकती है क्या? अगर गीता का भगवान कृष्ण नहीं है ये साबित करना है तो सच्ची गीता को सामने आना चाहिए। जब सच्ची गीता सामने आ जाएगी तब हो सकता है। अगर कोई चीज सामने नहीं आती है तो ज्ञानी आत्मा उसको पहचानेगा, या जब सामने आ जाएगी तो ज्ञानी आत्मा कहा जाएगा? ज्ञानी आत्मा कौन कहा जाएगा? जो पहले से ही पहचान ले, सूर्य उदय होने से पहले ही जो सूर्य को पहचान ले वो बाप के सच्चे बच्चे, और सूर्य उदय होने के बाद तो सारी दुनिया पहचान लेगी। ऐसे ही प्रकृति का भी पार्ट है, इसलिए ज्ञान में ये कहा जाता है बाप को पहचानना फिर भी सहज है, लेकिन उसकी रचना को पहचानना बहुत मुश्किल है। भक्ति मार्ग में भी बोला हुआ है, विदेहु नार हृदय गति जानी। क्या विदेहु माने? ब्रह्मा ने भी नारी के हृदय की गति को नहीं पहचान पाया कि इसका दिल, इसका जो हृदय है वो किस तरफ ढुरा हुआ है। मेरी तरफ दिल ढुरा हुआ है या बच्चों की तरफ ढुरा हुआ है? अलदास भाई चुप मत हो जा, और तुम्हारा नाम पक्का है। हैं? अरे वकील आदमी हम सामने कोई वकील हो चुप होना चाहिए क्या है? तो बाकी लोग गड़बड़ में आ जाएंगे, बाकी लोग गड़बड़ आपके वाइब्रेशन को ढिलाई देते हैं क्या? बाबा वही लोग भक्ति मार्ग में है, त्रिमूर्ति दस और एक मूर्ति दस अलग अलग पूजा। और थोड़ा जोर से बोलो, त्रिमूर्ति दस है, त्रिमूर्ति दस का अच्छा जो दत्तात्रेय है हाँ पूजा करते हैं अलग अलग, हाँ एक मुख भी दिखाते हैं, तीन मुख भी दिखाते हैं। क्यों ऐसा? पहले तो ये समझना पड़ेगा कि दत्तात्रेय का पार्थ किसका है, कौन सी आत्मा का है। दत्तात्रेय जो नाम पड़ा है उसका अर्थ क्या है? शास्त्रों में जो भी नाम है वो अर्थ सहित है या बिना अर्थ के? अर्थ सहित नाम है। तो जो दत्तात्रेय नाम पड़ा है उसका अर्थ क्या है? दत्ता माने क्या? नहीं, हाँ दिया हुआ, देने वाला नहीं, दिया हुआ। किसके द्वारा दिया हुआ? त्रेय, तीन मूर्तियों के द्वारा दिया हुआ। माना भगवान बाप शिव अकेले इस सृष्टि पर नहीं आते, किसके साथ आते हैं? तीन मूर्तियों के साथ आते। तो यज्ञ के आज में वो तीन मूर्तियाँ कौन सी थी? एक गीता माता, राधा बच्ची और भागीदार। ये तीनों ही मूर्तियाँ थी या नहीं थी? तीनों ही मूर्तियाँ थी। जब शिव आते हैं तब उस समय ब्रह्मा की मूर्ति थी या नहीं थी? दादा लेकर हाँ वो वहाँ मौजूद नहीं थी। तो तीन मूर्तियाँ जो थी उन तीन मूर्तियों के द्वारा दिया हुआ माने दत्ता, उन तीन मूर्तियों के द्वारा पहले पहले कौन प्रत्यक्ष हुआ? ब्राह्मणों की दुनिया में और कोई देवता नहीं प्रत्यक्ष होता। ब्रह्मा वाली आत्मा ही सन 47 में ब्रह्मा के रूप में प्रत्यक्ष हुई और 50-51 में नाम पड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो तीन मूर्तियों के द्वारा दिया हुआ दत्तात्रेय असली कौन हुआ है? दादा लेबराज ब्रह्मा। उनका विशेष गुण क्या दिखाते हैं शास्त्रों में? वो गुण ही ग्रहण करते थे, अब गुण ग्रहण नहीं करते थे। तो ये बात पक्की है या नहीं है? प्रैक्टिकल जीवन में पक्की है। ब्रह्मा बाबा ने कभी किसी बच्चे का दुर्गुण नहीं देखा। कोई बच्चे फॉलो करें बाबा को या न करें, मुरली को फॉलो करें या न करें, कोई गुण को धारण करें या न करें, ब्रह्मा बाबा ये पक्का किए हुए बैठे था मुझे कर्म करके दिखाना है। जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और बच्चे करेंगे। तो दत्तात्रेय का मुख्य गुण धारण करने वाला ही दत्तात्रेय। और दत्तात्रेय की मूर्ति के चारों तरफ कौन से जानवर दिखाई जाते हैं? कुत्ते दिखाई जाते हैं, दिखाई जाते हैं। तो दत्तात्रेय और कृष्ण वाली आत्मा, कृष्ण बच्चा, दोनों एक ही आत्मा साबित हो गई। आप कृष्ण की राशि किससे मिलाई जाती है? क्राइस्ट से। क्राइस्ट और क्राइस्ट के फॉलोअर्स कौन से जानवर को सबसे जास्ती प्यार करते हैं? कुत्तों को। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये कविता बनाई दी। कुत्तों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखों चिल्लाते हैं। क्या जो कामी कुत्ते हैं उनको माँ का प्यार मिलता है, और जो परमात्मा बाप के सच्चे बच्चे हैं वो प्यार के लिए भूखे रहते हैं, रोते हैं, रोते रोते पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाम रुद्रगण रखा जाता है। क्या तो दत्तात्रेय के चारों ओर जो जानवर दिखाए गए हैं वो विधर्मियों की यादगार है या सुधर्मी आत्माओं की यादगार? विधर्मी आत्माओं की यादगार। बाबा ऐसा क्यों कुत्तों को दूध भात? ये कलयुग में ऐसा ही होता है। कलयुग में जो शासन है वो तमो प्रधान शासन होता है या सतो प्रधान शासन होता है? तमो प्रधान शासन में तो सब उल्टा ही उल्टा होना चाहिए। कृष्णाली बोल जो है वो बाबा की पाती प्रिय मतलब है ना, क्योंकि पता तो वही पैदा है। पहला बच्चा तो पहला पत्ता तो सच्ची का वही आत्मा होगी। तो भगवान की अति प्रिय आत्मा है, उनको साबित करने चाहिए जाएंगे कि गलत उनके लिए। अगर उनको साबित करेंगे गलत है ये तो शंकर जी डंडा नहीं मारेंगे। अभी अभी तो मुरली में बोला तुम कौन सी बंदूक चलाने वाले हो? ज्ञान की बंदूक है ना तुम्हारी, कि स्थूल डंडा स्थूल बंदूक है। और स्थूल बंदूक तो उस आत्मा को अभी लगेगी भी नहीं। लगेगी? वो आत्मा अभी यहाँ इस सभा में मौजूद होगी या नहीं होगी? होगी। सुन भी रही होगी। उनसे तो हमको डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए? हाँ, तुम उनको जन्म देने वाले चाचा और ताऊ और बापूजी हो, तुम उनके औलाद बनने वाले हो। तुम क्या बनने वाले हो? उनके बाद जन्म लेने वाले हो या पहले जन्म लेने वाले हो? लेकिन उनको मालूम होना चाहिए चाचा है, उनके चाचा है, मालूम होना चाहिए। उनको मालूम करवाओ, ऐसा बातें बनाओ। बाबा हाँ, बाबा ने जजों को हजाम बोला है तो वकीलों को जजों को हजाम बोला है। कलयुग के जजों को हजाम बोला है या संगम युग के लास्ट स्टेज वाले को हजाम बोला है? ओहो, पकड़ा गया। बाबा उनके साथ वकील भी तो है, उनके साथ वकील भी तो होते हैं। ये कलयुगी स्टेज वालों को हजाम बोला है या सात्विक स्टेज वालों को हज्जाम बोला है? कालिदास तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो रहा है। हाँ। चार वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, कथा करें। कथा करना तो बंद हो गया, अभी तो वार्तालाप चल रहा है, ये भी बंद हो जाएगा। जो पूछेंगे तो बताएंगे। बाबा बाबा सिंह बोलते हैं कि क्रिएटर को ड्रामा बहुत प्रिय है, तो क्रिएटर के बच्चों को प्रिय होना चाहिए। क्रिएटर के बच्चों को भी प्रिय होना चाहिए क्या? ड्रामा हाँ, क्रिएटर को ड्रामा प्रिय है तो क्रिएटर के बच्चों को प्रिय होना चाहिए। बिल्कुल। तो बाबा अभी जो कैदी से जो इतना मारा मारी सब ये मार धार चल रहा है हाँ। तो उसको देखते हुए हाँ, मतलब कोई भी आदमी अच्छा नहीं बोलता है। अच्छा नहीं बोलता है हाँ। तो जो अच्छा नहीं बोलता है वो ड्रामे के ऊपर, बाप के ऊपर और अपनी आत्मा के पार्टी के ऊपर निश्चय बुद्धि कहे, ये अनिश्चय बुद्धि है। दोस्तों नहीं जानता अनिश्चय बुद्धि है। दुनिया की बात मत करो, ब्राह्मण की दुनिया की बात उठाओ ना, बाहर की दुनिया की बात क्या उठाना, वो तो उल्टा ही उठाएंगे, उनको सच्चाई का पता ही नहीं है। और मुरली और वार्तालाप दोनों चल रहे हैं, तो क्लास में अगर मुरली चलाते तो वार्तालाप रह जाते हैं, तो फिर क्लास जो है आधी मुरली चलाओ आधा वार्तालाप चलाओ। क्योंकि बाबा पूरा नहीं होगा ना, जिससे जिस तरह से मुरलियाँ चल रही है हाँ उस तरह से हम एक चलाएंगे रोज तो 2-3 दिन मुरलियाँ। बीच में गैप हो गया तब क्या करेंगे? जैसे सन 98 में 98 तक तो वाणी मिलती रही, उसके बाद गैप हुआ या नहीं हुआ हा? तब क्या आप मुरलियों का बैंक बैलेंस खत्म हो जाना चाहिए या बना रहे? अभी वो जिस साल में नहीं बैठ रहे जिस तरह से मुरलियाँ चल रही उस तरह से रोज नहीं सुन पा रहे इतनी पैसे। कोई बात नहीं, पैसा जितना कमाया है उतना खर्च हो जाए वो जरूरी, या जो कमाया है कुछ बैंक बैलेंस में पड़ा रहे वक्त जरूरत काम आ गए वो अच्छा है। तो दौड़ाते गाएंगे विदेशी लोग कॉन्फ्रेंस बहुत करते हैं दिया है। चलो